हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द आइडियल एक्सपर्ट चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेसबुक नेटिव एड्स को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं अपने एप्स में। इसको इंप्लीमेंट करना काफी इजी होता है। सबसे पहले इसको इंप्लीमेंट करने के लिए आपको एंड्रॉइड स्टूडियो में आ जाना है एंड स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने प्रोजेक्ट टेम्पलेट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आपको एम्प्टी एक्टिविटी पे क्लिक करना है एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने नेम का ऑप्शन ओपन हो जाएगा जिसमें आपको प्रोजेक्ट नेम एंटर करना है। तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ फेसबुक नेटिव एड्स। इसके बाद आपके सामने जो पैकेज नेम दिखाई दे रहा है नीचे का, यहाँ से आप पैकेज नेम भी एडिट कर सकते हो या फिर सेव लोकेशन आपको जो थर्ड में ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जो भी आपके प्रोजेक्ट की लोकेशन है यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हो। बट आपको ध्यान में रखना है ये जो लैंग्वेज है आपको जावा ही रखना है, क्योंकि जो भी हम कोड लिखने वाले हैं वो सब जावा में ही एंटर करेंगे। ओके, अभी हम फिनिश पे क्लिक कर देते हैं। जैसे हम फिनिश पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने लोडिंग प्रोजेक्ट का पेज का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। ये थोड़ी देर में बॉक्स क्लोज हो जाएगा एंड ग्रेटर सिंह स्टार्ट हो जाएगा। तो हम वेट करते हैं ग्रेटर सिंह स्टार्ट होने तक। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हम फुल स्क्रीन कर देते हैं एंड यहाँ पे ग्रेटर सिंह स्टार्ट भी हो चुका है। तो जैसे ग्रेडल सिंह स्टार्ट हो जाएगा तो हम ग्रेडल बिल्ड फिनिश होते वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ग्रेडल बिल्ड फिनिश नहीं होता तब तक हम प्रोजेक्ट पे वर्क नहीं कर सकते। ओके, तो तब तक हम वेट करते हैं ग्रेडल सिंह फिनिश होने तक। ओके, तो अभी यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मैसेज आ चुका है ग्रेडल सिंह फिनिश इन 47 सेकेंड। अभी हम इस प्रोजेक्ट पे वर्क कर सकते हैं। मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ कोड प्रोवाइड करूंगा। ये जो आपको नोटपैड में कोड दिखाई दे रहा है ये कोड आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बस इस कोड को आपको कॉपी करना है एंड अपने प्रोजेक्ट में पेस्ट करना है। ओके, तो आपको सबसे पहले स्टेप वन को फॉलो करना होगा। तो मैं इसको कंट्रोल सी से कॉपी कर देता हूँ डिपेंडेंसी को एंड अपने प्रोजेक्ट में आ जाता हूँ एंड यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ग्रेडल स्क्रिप्ट में इसको ओपन कर देता हूँ एंड जो सेकंड में दिखाई दे रहा है बिल्ड डॉट ग्रेडल मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ एंड जो डिपेंडेंसी है इसके नीचे में आपने जो भी डिपेंडेंसी कॉपी की थी मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अभी आपको ध्यान में रखना है डिपेंडेंसी पेस्ट होने के बाद आपको हॉटस्पॉट रहेगा या फिर जो भी इंटरनेट रहेगा उसको ऑन कर देना है, क्योंकि हमें सिंक नाउ पे क्लिक करने से पहले हमारा इंटरनेट शुरू होना ही चाहिए। ओके, तो मैं अपने इंटरनेट को कनेक्ट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इंटरनेट को कनेक्ट कर दिया। अभी मैं सिंक नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे हम सिंक नाउ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे ग्रेडल बिल स्टार्ट हो जाएगा एंड थोड़ी देर में हमें मैसेज आ जाएगा ग्रेडल बिल फिनिश। ओके, तो हम ग्रेडल बिल फिनिश होने तक वेट करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैसेज भी आ चुका है ग्रेडल सिंक फिनिश इन 87 सेकेंड। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं इंटरनेट को डिसकनेक्ट कर देते हैं एंड अगेन हम अपने कोड की तरफ बढ़ते हैं। ये जो नोटपैड में दिखाई दे रहा है इस कोड को हम फॉलो करेंगे स्टेप टू। इस स्ट्रिंग को हम कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे एंड जो भी हमारा प्रोजेक्ट है इसमें चले जाएंगे एंड यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है रिसोर्स फाइल इसको हम ओपन करेंगे एंड वैल्यूज फाइल को भी ओपन करेंगे एंड जो सेकंड में दिखाई दे रहा है स्ट्रिंग डॉट एग्जाम्पल इसके नीचे हम इसको पेस्ट कर देंगे जो भी हमारा स्ट्रिंग है। तो देख सकते हो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दे। ओके, अगेन अभी हम नोटपैड में चले जाते हैं एंड जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है पेस्ट कोड इन एक्टिविटी में डॉट एग्जाम्पल इस कोड को हमें कॉपी करना होगा। जो भी यहाँ पे लीनियर लेआउट ऑफ कोड है मैं कंट्रोल सी से इसको कॉपी कर देता हूँ एंड हम प्रोजेक्ट में चले जाते हैं एंड एक्टिविटी मेन डॉट एग्जाम्पल को ओपन करना होगा। तो इसके लिए हमें लेआउट में जाना होगा एंड एक्टिविटी मेन डॉट एग्जाम्पल को ओपन करना होगा। अभी हम स्प्लिट पे क्लिक कर देते हैं एंड जो भी यहाँ पे कोड दिखाई दे रहा है इसको हम कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर देते हैं एंड बैक स्पेस से रिमूव कर देते हैं। मैं कंट्रोल बी से इसको जो भी कोड हमने कॉपी किया था यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अगेन हमें नोटपैड में जाना होगा एंड यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है क्रिएट अ कस्टम लेआउट फॉर नेटिव एड्स, हमें क्या करना है अभी लेआउट फाइल क्रिएट करनी है इस नेम से। तो मैं इस नेम को कॉपी कर देता हूँ कंट्रोल सी से, इस नेम को मैं कॉपी कर देता हूँ एंड प्रोजेक्ट में जाके लेआउट पे क्लिक कर देता हूँ एंड यहाँ पे मैं राइट क्लिक कर देता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो न्यू का ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे क्लिक करना है एंड लेआउट रिसोर्स फाइल इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद जो फाइल नेम हमने कॉपी किया था यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है एंड ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे हम ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो हमने जो भी लेआउट क्रिएट की थी वो क्रिएट हो जाएगी। अगेन हमें क्या करना है हमारे नोटपैड में आना है एंड जो यहाँ पे कोड दिखाई दे रहा है इस कंप्लीट कोड को हमें कंट्रोल सी से कॉपी करना होगा लीनियर लेआउट तक। तो हम कॉपी कर देते हैं तो यहाँ पे जो लीनियर लेआउट दिखाई दे रहा है यहाँ तक आपको सिलेक्ट करना है एंड कंट्रोल सी से कॉपी करना है। मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया एंड कंट्रोल ए से इस कोड को आपको रिमूव करना होगा एंड कंट्रोल बी से जो भी हमने कोड कॉपी किया था यहाँ पे आपको पेस्ट करना होगा। तो आप देख सकते हो हमने कोड यहाँ पे पेस्ट कर दिया। यहाँ पे एक भी एरर शो नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे कोड कोई भी कोड में गड़बड़ी नहीं है। ओके, इसलिए आपको बस कंट्रोल सी से कॉपी एंड पेस्ट करते जाना है।
अभी क्या करना है, स्टेप फोर में आपको इस कोड को कॉपी करना है, पेस्ट कोड इन मेन एक्टिविटी डॉट जावा। तो मैं इस कोड को कॉपी कर देता हूँ, ये जो वेरिएबल्स है इसको मैं कंट्रोल सी से कॉपी कर देता हूँ एंड यहाँ पे जो एंड्रॉइड स्टूडियो है इसको ओपन कर देता हूँ एंड मेन एक्टिविटी डॉट जावा में चला जाता हूँ। इसके बाद जो भी ऐप कॉम्पैक्टिविटी है इसके नीचे में जो वेरिएबल्स को कॉपी किया था मैं कंट्रोल वी से इसको पेस्ट कर देता हूँ। इसके बाद अगेन हमें नोटपैड में चले जाना है एंड यहाँ पे जो दिखाई दे रहे हैं ऑडियंस नेटवर्क एड्स इसको आपको कंट्रोल सी से कॉपी करना है एंड इसके नीचे यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ये जो एक्टिविटी मैंने इसके नीचे मैं पेस्ट कर देता हूँ, तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ओके, अभी हमें क्या करना है, अगेन कंट्रोल सी करना है प्राइवेट वर्ड से, तो मैं इसको प्राइवेट वर्ड से अगेन कॉपी कर देता हूँ कंट्रोल सी से। आपको कंप्लीट अभी ध्यान में रखना है, इस कोड को कॉपी करना है एंड कोड कर कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके आपको कोड को पेस्ट कर देना है। मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, तो आप देख सकते हो अभी हमने कम्प्लीटली कोड पेस्ट कर दिया। ओके, तो अब हमें क्या करना है, अभी अल्ट एंटर अल्ट एंटर सब पे प्रेस करते जाना है क्योंकि यहाँ पे कुछ एरर शो हो रहे हैं। तो मैं अल्ट एंटर प्रेस कर देता हूँ सभी पे, अल्ट एंटर अल्ट एंटर इम्पोर्ट क्लास अल्ट एंटर, सेम यहाँ पे भी अल्ट एंटर एंड नीचे भी आपको जाना है एंड सब पे अल्ट एंटर प्रेस करते जाना है। अल्ट एंटर इम्पोर्ट क्लास अल्ट एंटर इम्पोर्ट क्लास अल्ट एंटर, सॉरी यहाँ पे रीनेम रिप्लेस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो इसको आपको कुछ भी नहीं करना है। जहां जहां आपको अल्ट एंटर इम्पोर्ट क्लास का ऑप्शन दिखाई दे रहा है भाई आपको अल्ट एंटर प्रेस करते जाना है। ओके, तो मैं सभी पे अल्ट एंटर प्रेस करते जाता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे अल्ट एंटर जैसे जैसे प्रेस कर रहा यहाँ पे इंपोर्ट क्लास का ऑप्शन दिखाई दे रहा है अल्ट एंटर इंपोर्ट क्लास। तो आप देख सकते हो अभी ये जो लिस्ट दिखाई दे रहा है ये सबसे लास्ट होगा। तो आप देख सकते हो कम्प्लीटली जो भी हमारा कोड था जितने भी एरर थे वो रिमूव हो चुके हैं। बस आपको कुछ नहीं अल्ट एंटर प्रेस करना है। जो भी हमारा अभी कोडिंग का पार्ट था वो तो कम्प्लीट रिमूव हो चुका है। अभी हमें प्रोजेक्ट को मोबाइल डिवाइस के साथ कनेक्ट करना होगा एंड रन ऐप पे क्लिक करने के बाद हम देखेंगे कि हमारा नेटिव एड्स लोड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मैं जल्दी से कनेक्ट कर देता हूँ। तो अभी यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे अपना मोबाइल डिवाइस कनेक्ट कर दिया है। मैं अभी रन ऐप पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे हम रन ऐप पे क्लिक करेंगे यहाँ पे ग्रेडल बिल्ड स्टार्ट हो जाएगा। तो हम ग्रेडल बिल्ड फिनिश होने तक वेट करते हैं। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मैसेज आ चुका है ग्रेडल बिल्ड फिनिश इन 5 सेकेंड एंड इंस्टॉल सक्सेसफुल का भी मैसेज आ चुका है। अभी थोड़ी देर में हमारे मोबाइल डिवाइस में ऐप इंस्टॉल हो जाएगा। तो आप देख सकते हो अभी इंस्टॉल हो रहा है एंड यहाँ पे जो हमारा प्रोजेक्ट नेम है फेसबुक नेटिव एड्स वो अभी थोड़ी देर में टूल बार में हमारे नेम ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे शो हो रहा है फेसबुक नेटिव एड्स एंड थोड़ी देर में हमारा नेटिव एड्स लोड भी हो जाएगा। थोड़ा नेटवर्क इशू है तो हम वेट करते हैं नेटिव एड्स लोड होने तक। तो आप देख सकते हो हमारा नेटिव एड्स कम्प्लीटली लोड हो चुका है। तो आई होप गाइस अभी आपको समझ में आएगा कि फेसबुक नेटिव एड्स को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं अपने मोबाइल डिवाइस में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना। हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।